ना करी पूरा छोटी दा यार क्या बकवास की है रा ये पेटिंग तो नहीं खुली थी उसकी एमओ थी यार लूजी की भाई लग जाती ओ तड़ी पान ओए होए होए ओ रो रो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सभी का। वेलकम बैक हो गया एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज हमारी फाइट होने लगी है पूरे चार चार स्ट्रीमर्स के साथ में। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने लगी है, तो भाई साहब जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आप लोगों को ये वाला इवेंट याद आएगा कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार। मुझे तो काफी मजे का इवेंट लगा था, लेकिन भाई ये इवेंट अब जा चुका है तो इसकी याद तो आएगी। खैर इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, अभी चलते हैं हमारे गेम प्ले की तरफ। यहाँ पर ना मेरे ऊपर एक पूरे स्क्वाड का पुश आ रहा है और मेरी एचपी आप लोग देख ही सकते हो। इनका एक बंदा यहाँ पे मैं कर चुका हूँ नोक और दूसरा बंदा भी लग गया था, इनका हो चुका है नोक। मेरी एचपी आप लोग फिर से देख सकते हो, बिल्कुल जीरो हो चुका हूँ मैं। और सामने वाली साइड से दो बंदों का पुश आ रहा है। यहाँ पर मुझे एक मुक्का भी लगता तो मैं मर जाता, इस वजह से मैं जल्दी से वापस आकर ना अपनी हेल्थ वगैरह लगा लेता हूँ। अभी ये बंदे भी रिवाइव हो जाते हैं और मैं भी अपनी हेल्थ वगैरह लगाकर आ जाता हूँ इस जगह पे। अभी दोबारा ये पूरा स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर रहा है, तो जरा सीन चेक करो। इसी के साथ होता है जी हमारा 1v4 कंप्लीट इन बंदों के ऊपर। अभी ये वाला क्लच जो है ना मेरे क्लैनमेट्स के ऊपर ही होने वाला है, और ये आपको पता है कि मेरे क्लैनमेट्स काफी अच्छी गेम खेलते हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं बंदे। इस फाइट के बाद चलेंगे हमारी मेन फाइट की तरफ जो कि होगी स्ट्रीमर्स के साथ में। फिलहाल इनका एक बंदा नोक और फिनिश डाल चुका हूँ। सामने वाली साइड से इनका एक और बंदा रश करता है मेरे ऊपर। अभी यहाँ पे इनका एक लास्ट टीममेट ही बचा हुआ था, तो मैंने सोचा यार जाके सीधा पुश ही कर लेते हैं, और मैं इसको ऑलरेडी लो भी कर चुका हूँ। लेकिन मेरे रश करते करते भाई साहब जाके नीचे हील वगैरह भी कर लेता है। तो अभी चलते हैं हमारी मेन फाइट की तरफ। अभी आप लोग देख सकते हो एफएम टकास भाई का नाम आया होता है प्लेन के ऊपर। अगर किसी भाई को नहीं पता तो मैं बता दूं, एफएम टकास भाई के ऊपर मैं ऑलरेडी 1v3 कर चुका हूं। अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हुई तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो वहाँ से। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे ना एक बंदे को मैं नोक और फिनिश डाल के इसकी लूट करता हूँ। सामने एफएम उष्णा जी मुझे नजर आती है, तो इनको यहाँ पे मैं लगे हाथ नोक और फिनिश डालता हूँ। जो जो हमारी फाइट होती जाएगी साथ साथ आप लोगों को मैं दिखाता भी जाऊंगा। ना करी पूरा छोटी दा यार क्या बकवास की है रा ये उसकी एमओ थी यार लूजी की भाई लग जाती। इसके बाद जो मेरी इनके साथ फाइट होती है ना वो होती है यसनाया के अंदर। मैं तो कारपेट लेके यहाँ पर गाड़ी उठाने के लिए आता हूँ, लेकिन सामने वाली साइड पे भाई साहब काफी गंदे वाली फाइट चल रही थी दो स्क्वाड के बीच में, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इस फाइट में हम भी थोड़ा बहुत हिस्सा ताउन कर ही लें। हाँ हाँ फिनिश दे दिया उसको मैंने। ओ
यहाँ पे मैं अंदर आ रही हूँ तेरी वाइफ देना। अभी उसके बाद ना हमारी फाइट डायरेक्ट होती है लास्ट जोन के अंदर, क्योंकि वहां पर ना जोन आ चुका था, ये लोग भी गाड़ी लेके वहां से निकल जाते हैं और मैं भी वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता हूं। लेकिन लास्ट जोन का सीन होता है, ये लोग ना पूरे तीन होते हैं और मैं यहां पे अकेला होता हूं। जो एफएम टकास भाई है ना, वो मेरे घर के छत के ऊपर नोक पड़े हुए हैं, लेकिन उनको मैंने नहीं किसी और बंदे ने नोक किया होता है। खैर अभी ना ये लोग इतने भाई साहब डर रहे होते हैं, मतलब पुश करने का नाम ही नहीं थे ले रहे। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट की वीडियो को कट किया है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मेरा iPhone XR जो की 60 FPS को सपोर्ट करता है, इतने गंदे लैग के साथ मैं मरा हूँ यहाँ पे, आपको मेरी गेम प्ले ज्यादा पसंद आई या इन बंदों की जो कि आईपैड के ऊपर खेल के लाइव स्ट्रीम पे भाई साहब इतना होल्ड करते हैं। मुझे पर्सनली भाई साहब जो रश करके बंदे खेलते हैं ना, उनकी गेम ज्यादा पसंद है। खैर उन चक्कर को छोड़ते हैं, अभी चलते हैं हमारी मेन फाइट की तरफ। इनसे अच्छी फाइट तो क्रूजर के साथ हुई है मेरी। यहाँ पे मैं सोलो बंदा आता हूँ और क्रूजर लोग देखो भाई सीधा रश कर देते हैं मेरे ऊपर। मुझे पर्सनली क्रूजर की गेम ज्यादा पसंद आई इन बंदों से। कुछ लोग बोलेंगे आपका तो लीडर है तो आपको तो पसंद आएगी, लेकिन भाई जो सीधी बात है, रश करने वाले बंदे वो तो गेम खेलने में मजा भी आता है। तो यहाँ पर मेरे एक ग्रेनेड से होता है क्रूजर नोक। मैंने सोचा एक सेकंड ग्रेनेड करवाता हूँ, लेकिन बंदा कमरे में भाग जाता है। तो यहाँ पर दोबारा से एक ग्रेनेड कुक करके फेंकते हैं प्यारा सा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक वाला सीन हो जाता है मेरे साथ, जो कि होना नहीं चाहिए था। मुझे लगा विकी भाई जो है ना पोर्टल मार के मेरी घर की छत के ऊपर आए हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे सीन उल्टा ही हो जाता है। लेकिन आई होप आप लोगों को ये वाले 2 ग्रेनेड भी चास के लगे होंगे। जोको तेरी जोको है वो हील करेगा नीड कर रहा है। ना 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 छोड़ आराम मलिक, ये गंदी गन ले आया विकी आराम से डैमेज है। किन्ने तन्नू नेट आए नोए उरा ना साले और आ तेरे नेट गड्ढा में यार। ये गलत है, मुझे कसम से लगा, कसम से मुझे लगा तू ऊपर है, कसम से लगा। चल जल्दी गाइस की गाइस ने जाने में बाहर जाए। खैर ये वाला क्लच ना इस मैच का लास्ट क्लच होने वाला है। मैं बाबा जी जस्ट लैंड हुआ था, लैंड होते सारी मैं गाड़ी उठाता हूँ और आ जाता हूँ पचिंके के अंदर। यहाँ पर आते सारी हमारे ऊपर ना एक स्क्वाड का पुश आ जाता है और नंबर 1 2 यहाँ पे मर भी जाते हैं। अभी इनका रैंक होता है, इस वजह से बेचारे थोड़े डर जाते हैं कि भाई जाके रिकॉल करो, लेकिन इतनी देर में स्क्वाड है उसमें भी बंदे आ जाते हैं। अगर इन बंदों को बचाना है तो क्लच करना पड़ेगा। ये वाला क्लच आप लोग इंजॉय करो। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। बाकी अल्लाह हाफिज, बाय बाय, कल मिलेंगे एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। Awesome. Wow, very good.